हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम चल रहे हैं जी हुंडई के सर्विस सेंटर में। तो अभी जाने का रीजन ये है जी, अभी मैं कहीं जा रहा था वर्क से, तो एकदम से यहाँ पे एरर आ गया जी इंजन ऑपरेटिंग का, और एसी भी वर्क नहीं कर रहा। तो ये एरर किस वजह से आ रहा है ये सब देखेंगे, और क्या करते हैं वो इसका डायग्नोसिस वो भी देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हुंडई के सर्विस स्टेशन, देखते हैं कि कैसे होती है आज की प्रॉब्लम सॉल्व। तो दोस्तों, इंजन ओवरहीटिंग का इशू काफ़ी आ रहा था। तो अभी गाड़ी बंद कर करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ हुंडई के सर्विस स्टेशन में, और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था जब ये गाड़ी ओवरहीटिंग का इशू कर रही थी। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं जी हुंडई के सर्विस स्टेशन में, और यहाँ पे इनको दिखाएंगे कि क्या ये इशू, एग्जैक्ट इशू किस वजह से आ रहा है इंजन ओवरहीटेड का। और अभी तो चली भी कुछ नहीं, जस्ट 1000 किलोमीटर अभी इसने कंप्लीट किया ऑलमोस्ट। तो दोस्तों, अभी गाड़ी को अंदर लेके जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या इशू निकल के आता है, क्योंकि इंजन ओवरहीटिंग का इशू आ रहा था और बार बार इसको मैं बंद करके बड़ी मुश्किल तक से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इनको रिक्वेस्ट की कि चेक करवा दो अभी, जैसे कि ब्रांड न्यू कार है, ज़्यादा चली भी नहीं, और ऐसे इशू आना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या इशू निकलता है। दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने आते हो, या कोई स्पेयर पार्ट या कोई भी काम करवाने सर्विस सेंटर आते हो, तो इनको बोल के साइड में मैट जरूर लगवा लिया करो, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो जो मैकेनिक जब वर्क करते हैं तो इनके जो स्पैनर्स या टूल्स होते हैं वो रख देते हैं बॉडी पे, जिससे अननेसेसरी स्क्रैचेज आते हैं, या कई बार ऑयली हाथ होते हैं वो लगाते हैं, जिससे कि ग्लिसी फॉर्मला जो होता है वो बॉडी पे आ जाते हैं। तो इनको बोल के आप ये मैट लगवा सकते हो, तो इससे आपकी ये भी प्रोडक्ट रहेगा। तो अभी ये चेक करने लगे हैं मैकेनिक क्या इशू आ रहा है। ये अभी खोल रहे हैं जी इसका एयर फिल्टर का बॉक्स खोल के, फिर देखते हैं जी अभी ये खोल रहे हैं इसको गाड़ी को, और ये प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा क्या क्या करेंगे डायग्नोसिस, और पूरी वीडियो आप देखें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सच इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। तो इसके एयर बॉक्स के स्क्रू खोल लिए हैं, अभी इसके जो थ्रोटल बॉडी वाला पाइप होता है उसका स्क्रू लूज़ करके उसको निकाल रहे हैं भैया। तो दोस्तों, देख सकते हो जी जो एयर फिल्टर बॉक्स है इसको पूरे का पूरा बाहर निकाल लिया है। अभी ये पूरी इसकी जो है एयर फिल्टर बॉक्स की जो जितनी भी यूनिट है सारी बाहर निकाल ली है, और इस पाइप के पीछे होती है थ्रोटल बॉडी। जब आपकी कार चल जाए कुछ, मतलब टाइम गैप 1-2 साल में 1 साल में हर बार थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग अवश्य कराएं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा रनिंग होती है तो 15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद करवाते रहें, या जब भी सर्विस करवाएं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कार की पिकअप है और माइलेज है वो एक अच्छी बनी रहती है। सो ये वर्क करवाते रहें। तो अभी जो इसका है जी रेडिएटर का फ़ैन वो ओपन कर रहे हैं भैया। तो इसका रेडिएटर का फ़ैन फ्रंट में है इसके आगे, तो इसके लिए ये जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो निकाल रहा है। तो अभी निकाल देंगे जी इसका रेडिएटर फ़ैन। तो जी इधर देख सकते हो जी, ये कूलेंट वाली पाइप है जो रेडिएटर के साथ कनेक्टेड होती है, उसको निकाल दिया है, उसको मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया है रेडिएटर के साथ। तो अभी क्योंकि रेडिएटर फ़ैन को निकालना है, तो उसकी जो कूलेंट के साथ कनेक्टिविटी जो है वो सारी डिस्कनेक्ट कर दी गई है। और ये अभी लॉक्स के साथ ही फ़ैन है जो लगा हुआ है, तो उसको खोल रहे हैं। तो देख सकते हो जी रेडिएटर फ़ैन हमारा ये हो चुका है जी, निकल चुका है। अभी इसको बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद डायग्नोसिस करेंगे क्या इशू है इसमें। तो इन्होंने पहले बताया था कि फ़ैन नहीं चल रहा है, इसी वजह से इशू आ रहा है। तो इसी वजह से एसी नहीं ऑन हो रहा, इंजन ओवरहीटर कर रहा है, क्योंकि ये रेडिएटर है वो ठंडा नहीं हो पा रहा, तो फ़ैन का ही इशू होगा। तो अभी देखते हैं क्या इशू है। तो अभी फ़ैन को निकालते हैं, और ये भैया ने फ़ैन निकाल लिया जी रेडिएटर का, और अभी क्या इशू निकल के आता है वो देखते हैं जी। तो अभी जो इशू आ रहा है उस मोटर में इशू है, तो ये वाली जो मोटर है कहते हैं इसमें इशू है। 6 जून 2024 की है ये, देख सकते हो। तो ये मोटर अभी ओपन करके इसको चेंज करेंगे ये। तो दोस्तों, देख सकते हो जी इसकी जो मोटर है वो ख़राब हो चुकी है। तो अभी रेडिएटर की फ़ैन की जो पहले वाली मोटर वो निकालेंगे जो ख़राब हो चुकी है, और उसके साथ ही ये रिप्लेस होगी मोटर। तो जी ये वाला इशू हो गया अपनी मोटर का,
ये है रेडिएटर फैन की मोटर, तो देख सकते हो ये पुरानी मोटर निकाल दी, अभी उसकी जगह पे प्लेसमेंट वाली नई मोटर डाल दी गई है। और तो ये मोटर थी, ये ख़राब हो गई, ये गर्म भी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और ये दिखा देते हैं आपको, ये भी अप्रैल की थी। तो अभी भाई अपनी ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं पुरानी मोटर की, जो सीरियल नंबर वगैरह उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो मोटर प्लेस हो चुकी है, तो जो निकली है मोटर वो भी देख सकते हो, अप्रैल मैन्युफैक्चर्ड थी, जो अभी डली है वो जून मैन्युफैक्चर्ड मोटर है। तो मोटर इतनी जल्दी ख़राब हो गई, इसका रीज़न कुछ पता नहीं लग पाया है। तो जी अभी जल्दी से रेडिएटर फ़ैन को फिट करेंगे। तो देख सकते हो ये नीचे से ही फ़ैन को निकालना था, नीचे से ही इसको डाल के दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं। ये लॉक्स के साथ ही फ़ैन फिट होता है, इसमें स्क्रू वगैरह नहीं लगे होते। तो ये देख सकते हो जी, ये अभी फ़ैन की जो मोटर है वो चेंज हो गया, अभी रेडिएटर फ़ैन की फ़िटिंग होगी प्रॉपर। जैसे ही इसको खोला था वैसे ही लगाएंगे, और लेट्स सी कितना टाइम लगता है वो भी देखते हैं। तो ये फ़ैन जी अपना आ चुका है। तो जो हुंडई के भी i20 एरियस के इंजन के नीचे कोई भी मतलब वैसे आपको जैसे पुरानी गाड़ियों में आती थी प्लेट वगैरह लगी होती थी, वैसा कुछ है नहीं है। तो इंजन नीचे से ओपन ही रहता है। तो रेडिएटर फ़ैन अपना जी आ चुका है, अब इसको एयर फिल्टर बॉक्स को भी फिट कर देंगे। तो जी अभी इसकी रेडिएटर फ़ैन की मोटर की जो है वायर, उसके कपलर वगैरह लगने रह गए हैं, वो फिट करेंगे। और जैसे कि ये देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि लॉक्स के साथ ही होती है, तो इधर वाले लॉक को सेट कर बिठा रहे हैं इसको। और ये देख सकते हो जी, तो जी रेडिएटर फ़ैन अपना फिट हो चुका है। अभी कूलेंट वगैरह की जो पाइप थी वो भी सारी दोबारा से उसको फिट कर दिया गया है, कूलेंट को साथ में कनेक्ट कर दिया गया है जी रेडिएटर के साथ। पहले इसको डिसकनेक्ट कर दिया था क्योंकि फ़ैन को निकालना था, तो अभी ये सारा हो गया फिट। तो दोस्तों देख सकते हो जी, हमारा एयर फिल्टर बॉक्स था वो भी फिट हो चुका है। तो इसका जो ये थ्रोटल बॉडी वाला आप देख सकते हो पाइप है, होस पाइप, उसको टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप भी सर्विस करवाने आते हो सर्विस स्टेशन में, तो कोशिश करें कि जो स्क्रूज़ वगैरह हैं वो आप प्रॉपर एक बार चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाड़ियां काफ़ी स्क्रू खोल देते हैं और मैकेनिक जल्दी जल्दी में के स्क्रू होते हैं या जो लॉक्स होते हैं वो लगाना भूल जाते हैं। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो अभी एयर फिल्टर बॉक्स के जो बॉडी के साथ स्क्रू हैं वो कस रहे हैं, वो टाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर दो थे यहाँ पर लॉक्स थे वो भी फिट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मोटिव यह था कि अगर इनके साथ आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये किस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जो हमारी मोटर ख़राब हुई, तो भैया ने बताया कि मॉनसून सीज़न में ऐसा इशू आता रहता है, क्योंकि जो i20 है इसके रेडिएटर फैन की मोटर के साथ कोई कंट्रोलर वगैरह नहीं होता। तो अगर आप मॉनसून में गाड़ी चला रहे हो तो एसी को ऑफ़ कर दें, अगर कहीं पर वाटर लॉगिंग वगैरह तो भी एसी को ऑफ़ कर दें। तो अभी हमारी कार वारंटी में थी, तो अभी एस एच कोई इसमें चार्जेस नहीं लगे। और यहाँ पे फ्यूज़ भी ख़राब था, फ्यूज़ पहले भैया ने निकाल लिया था। तो पहले 40 एम्पायर का फ्यूज़ लगा था, अभी 30 एम्पायर का डाल रहे हैं। तो कहते हैं फ्यूज़ में एस एच कुछ नहीं, 30-40 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये 30 एम्पायर का फ्यूज़ लगा दिया है। और तो जी फ़िलहाल हो गया जी अपनी कार ऑन, देखते हैं। तो जी कार अपनी ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर जो कूलेंट्स वगैरह की पाइप है वो कनेक्ट कर रहे हैं, और कूलेंट का लेवल वगैरह चेक कर रहे हैं एक बार से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैट लगाने का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अभी ये भैया चेक कर रहे हैं, तो ये हाथ वगैरह रखते हैं, जैसे भैया ने इतना मोटा कड़ा पहन रखा है, तो इससे क्या होता है कि ये बॉडी पे या जो फ्रंट ग्रिल है उस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप सर्विस करवाएं या कुछ भी वर्क करवाएं अपनी गाड़ी का, तो ये मैट जरूर बिछाने के लिए बोल दें उनको कि मैट लगा लें। तो अभी इसमें थोड़ा कूलेंट में वाटर लेवल कम था, तो उसको टॉप अप कर दिया है। तो दोस्तों फाइनली जो इशू था वो था जी रेडिएटर फ़ैन की मोटर ख़राब थी और उसका फ्यूज़ ख़राब था, वो चेंज हो गया। तो अभी टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जा रहे हैं, तो टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे कि अभी नॉर्मल चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो एक बार ड्राइव टेस्ट ड्राइव करके उसके बाद ये हैंड ओवर कर देंगे कार हमारी। तो लेट्स सी, अभी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। और चले
परमजीत सिंह जी अभी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं हमारी कार की। जो इशू आ रहा था पहले इंजन ओवरहीट का, तो अभी तो फिलहाल इशू वो नहीं आ रहा है। 200 भी लंबी सी टेस्ट ड्राइव ले ली और जो इंजन ओवरहीटिंग का इशू था वो अभी नहीं आ रहा है, और रेडिएटर का फैन भी चल रहा है। तो अभी जो एसी का इशू था वो कहते हैं इसी वजह से आता है, जब ये रेडिएटर जो होता है ओवरहीट हो जाता है तो एसी का फैन, जो एसी का कंप्रेशर था वर्क नहीं करता, इसी वजह से कूलिंग नहीं करता, तो वो एक उसी की वजह से सारे इशू क्रिएट हो रहे थे। तो अभी जस्ट टेस्ट ड्राइव कम्प्लीट होगी, अंदर से गेट पास लेंगे और लेके चलते हैं गाड़ी को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो इसमें प्रॉब्लम आई मैंने सारी आपको एक बता दी कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें, अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर Facebook पे देख रहे हो तो वो पेज को फॉलो कर लें। और किस टॉपिक पे आप और नई वीडियोस देखना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं भी कोशिश करूंगा जो जो इसके रिलेटेड कार के रिलेटेड काम करवाऊंगा, कोई भी सर्विस होगी या कोई भी वर्क होगा इसके रिलेटेड, सारी इसकी वीडियोस रिलाइज करके आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।